हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबीओ ट्यूटोरियल्स। अभी तक हमने जितनी वीडियो बनाई उसमें जो भी हाइपरलिंक ऐड किया वो किसी पर्टिकुलर सेल पे ऐड किया हमने, और फिर जब माउस से उस हाइपरलिंक पर क्लिक किया तो फाइल, फोल्डर या हमने वेबसाइट ओपन कराई। पर अगर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें हाइपरलिंक किसी सेल में ऐड नहीं करना है पर फिर भी हाइपरलिंक को फॉलो कराते हुए फोल्डर, फाइल या वेबसाइट ओपन करानी है, वही सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पहले सीखेंगे हाइपरलिंक को फॉलो करते हुए फोल्डर कैसे ओपन करते हैं, फिर फाइल कैसे ओपन करते हैं, फिर वेबसाइट कैसे ओपन करते हैं, और सबसे लास्ट में हाइपरलिंक को फॉलो करते हुए हम एक मेल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। वीबीए में किसी हाइपरलिंक को फॉलो कराने के लिए हम वर्कबुक ऑब्जेक्ट पर फॉलो हाइपरलिंक फंक्शन को कॉल कराते हैं। सो मान लीजिए हमारी जो ये एक्टिव वर्कबुक है, इसके ऑब्जेक्ट पर हम फॉलो हाइपरलिंक फंक्शन का यूज करते हुए किसी फोल्डर को ओपन कराते हैं। सो जैसे ये एक्टिव वर्कबुक है तो एक्टिव वर्कबुक ऑब्जेक्ट पर हम यूज करेंगे फॉलो हाइपरलिंक फंक्शन का, और इसका जो एड्रेस वाला पैरामीटर है इसमें अगर हम किसी फोल्डर का पाथ पास करेंगे तो ये फोल्डर को ओपन करेगा, और अगर फाइल का पाथ पास करेंगे तो ये फाइल को ओपन करेगा। तो जैसे ये वीबी प्रोजेक्ट वाला हमारा फोल्डर है, इसका पाथ हम कॉपी करके इस फोल्डर को क्लोज करा देते हैं, और इस फोल्डर के पाथ को एड्रेस पैरामीटर में हम पास करा के F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करते हैं, तो इसने हमारा वीबी प्रोजेक्ट वाला फोल्डर ओपन कर दिया। और अगर किसी फाइल को ओपन कराना हो, जैसे कि वीबी प्रोजेक्ट के अंदर ये डेटा नाम की फाइल है, इसको अगर ओपन कराना हो तो इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और कॉपी एज पाथ करके इसका पाथ हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फोल्डर के पाथ को रिप्लेस कर देंगे फाइल के पाथ से, और अब F5 प्रेस करेंगे तो ये हमारी डेटा वाली फाइल को ओपन कर देगा। अभी हमने एड्रेस पैरामीटर में फोल्डर या फाइल का पाथ हार्ड कोडेड पास किया है, पर अगर आप चाहते हैं कि जब आपका मैक्रो रन हो तो वो यूजर से एक प्रॉम्प्ट में फाइल या फोल्डर का पाथ पूछे, और जो भी यूजर फाइल या फोल्डर का पाथ पास करे उसके अकॉर्डिंगली फाइल या फोल्डर ओपन हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होगा, और उस वेरिएबल में यूजर जो भी हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो स्टोर कराएंगे और उसको एड्रेस पैरामीटर में हम पास कर देंगे। तो चलिए करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल का नाम जो कि हम लिख लेते हैं पाथ, उसके बाद स्पेस एज कीवर्ड और टाइप रहेगा इसका स्ट्रिंग। और इस पाथ वेरिएबल में हमको क्या करना है, यूजर जो भी इनपुट प्रोवाइड करेगा वो कैट करके स्टोर कराना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे vba.inputbox फंक्शन का, और जो पहला पैरामीटर है प्रॉम्प्ट उसमें पास कर देते हैं स्ट्रिंग एंटर पाथ। अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही ऐसा पैरामीटर है जो मैंडेटरी है, बाकी सारे पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज्ड है, तो उनको हम ना दें तो भी चलेगा। तो इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करा देते हैं, और ये जो हमारा एड्रेस पैरामीटर में हार्ड कोडेड पाथ हमने पास कर रखा है इसको यहाँ से डिलीट करके पाथ वेरिएबल को यहाँ पर पास करा देंगे। सो इस मैक्रो को रन करते हैं, और पहले यहाँ फोल्डर का पाथ पास करेंगे और उसके बाद फाइल का पाथ पास करेंगे जब हमारे पास प्रॉम्प्ट आएगा। तो मान लीजिए हमें जो वीबीओ वाला फोल्डर है इसको ओपन कराना है, इसका पाथ कॉपी करके फोल्डर को क्लोज कर देते हैं और इस स्क्रीन वाले बटन पे क्लिक करके मैक्रो को रन करते हैं। एक प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है जहाँ पर ये हमसे पाथ पूछ रहा है, यहाँ पर फोल्डर का पाथ पास कर देते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं, तो इसने हमारे वीबी वाले फोल्डर को ओपन कर दिया। अब अगर कोई फाइल ओपन करानी है तो उस फाइल का पाथ हमको वहां पर पेस्ट कराना होगा। मान लीजिए ये टॉपिक्स वाली जो फाइल है इसको ओपन कराते हैं, तो इसका पाथ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इस बार मैक्रो को रन कराते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स में फाइल का पाथ पेस्ट करते हैं और जो एक्स्ट्रा आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं इनको डिलीट करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने ओके बटन पे क्लिक किया इस बार इसने फाइल को ओपन करा दिया। अब फॉलो हाइपरलिंक का यूज करते हुए वेबसाइट को ओपन करना सीखते हैं। तो वेबसाइट ओपन करना भी सेम ही है, हम एड्रेस पैरामीटर में वेबसाइट का URL पास कर देंगे और साथ में एक और पैरामीटर आपको यहाँ पर दिखेगा न्यू विंडो वाला, इसको हम ट्रू सेट कर देंगे। तो जब भी एक ब्राउजर ओपन होगा उसमें न्यू विंडो में हमारी वेबसाइट ओपन होगी। सो अभी क्या कर रहे हैं, हम यूजर से URL पूछ रहे हैं, मतलब यूजर से पाथ ले रहे हैं
तो जब हम इस मैक्रो को रन करेंगे, जैसे कि अभी रन करते हैं, सो यहाँ पर हम वेबसाइट का URL पास करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, सो ये ब्राउजर में youtube.com को ओपन करते हैं। अब सबसे लास्ट में फॉलो हाइपरलिंक फंक्शन का यूज करते हुए हम एक न्यू मेल क्रिएट करना सीखते हैं। उसके लिए एक नया मैक्रो बना लेते हैं, क्रिएट मेल के नाम से बनाते हैं, और इसमें हम फॉलो हाइपरलिंक का यूज करते हुए एक मेल कैसे क्रिएट करा सकते हैं उसका कोड लिखते हैं। सो अगर हम एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में मेल का लिंक स्टोर करके फॉलो हाइपरलिंक फंक्शन के एड्रेस पैरामीटर में उस लिंक को पास करते हैं, तो इससे हम एक नई मेल क्रिएट करा सकते हैं। और जो मेल का लिंक होता है उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेल टू लिखते हैं, उसके आगे कॉलन, फिर जो भी हमारा मेल एड्रेस है वो डालते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसके आगे सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इक्वल टू और मेल का जो भी सब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा, उसके बाद एम्परसेंट कैरेक्टर लिखेंगे, फिर बॉडी कीवर्ड लिखते हैं इक्वल टू, और उसके बाद मेल बॉडी। सो अगर मैं इसको कॉपी करके मेल एड्रेस की जगह कोई भी मेल एड्रेस डाल दूं, जैसे कि abc@gmail.com, सब्जेक्ट की जगह कोई भी मेल का सब्जेक्ट दे दे, जैसे कि टेस्ट मेल, और बॉडी में कुछ भी टेक्स्ट लिख दे जो कि हमें मेल की बॉडी पे लिखवाना है, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे दिस मेल इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, और ये हमारा मेल का लिंक बन गया है। इसको कॉपी करके अगर ब्राउजर की एड्रेस बार में पेस्ट करके मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसने एक नई मेल क्रिएट कर दी है। सो इस मेल के लिंक को अगर हम फॉलो हाइपरलिंक फंक्शन में पास कर रहे हो तो हमारी एक न्यू मेल आराम से क्रिएट हो सकती है। सो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, मेल लिंक के नाम से बना लेते हैं, और इस मेल लिंक में जो भी हमने मेल लिंक बनाया था इसको स्टोर करा देते हैं। और फिर क्या करना है, सेम वही एक्टिव वर्कबुक के फॉलो हाइपरलिंक फंक्शन के एड्रेस पैरामीटर में हमको मेल लिंक पास कर देना है। और अब अगर इस मैक्रो को रन करते हैं हम, सो इसने एक न्यू मेल क्रिएट कर दी है जिसके टू में abc@gmail.com है, सब्जेक्ट में टेस्ट मेल है, और बॉडी पर उसने लिख दिया है दिस मेल इज फॉर टेस्टिंग पर्पज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।